ये मैकेनिक आ चुके हैं इरफान भाई, बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं। 6 बज रहे हैं और मैं 3 build up until I can't hear. So hello guys and welcome back to the new video. कैसे आप सभी? I hope you all are the fine. तो आज अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक का साउंड चेंज करवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं यार जीवन में अभी फिलहाल, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिस हो चुकी है गाड़ी और मैं नहीं चाहता कि यार फिर से एक बार और चालान कट जाए हमारा, तो इसी चक्कर में अब चलते हैं एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाते हैं गाड़ी का. तो ये जो कलेश हो रहे हैं ना जीवन में भाई साहब, और गाड़ी इतनी ज़्यादा नोटिस हो चुकी है फिलहाल तो बहुत ही भयंकर तरीके से, और ऐसा शायद ही कोई दिन जाता जब थाने में मेरी बात नहीं होती होगी. अगर अब पकड़ाएगी ना तो भाई छूटेगी नहीं शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है. बहुत ज़्यादा पुलिस वालों ने वैसे तो लोगों को रोक लिया है, पर नोटिस तो हो ही चुकी है एटलीस्ट गाड़ी. बहुत सारे लोग जानने भी लगे हैं कि यह गाड़ी अलग कौन है. इस गाड़ी ने कर दिया मेरे को फेमस तो आधा होशंगाबाद, बस लोगों को ये नहीं पता कि चैनल कौन सा है. सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, बस अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो बात ही अलग है. मोनेटाइज हो जाए चैनल तो कावासाकी पे उतर जाएंगे जय माता रानी. अभी जा रहे हैं हम इरफान भाई के पास. एक तो यही सुबह पे यहाँ पे चेकिंग वेकिंग चल रही थी, तो यहाँ पे पकड़ रहे थे. आ रहा था मैं वापस पैसे चले गया पैसे निकालने के लिए, तभी रोक लिया भाई. अब थोड़ी ना कटवाऊंगा यार 14,000 का चालान बहुत होता है. इरफान भाई की दुकान बस आ ही गई है, पर ये जो साउंड है ना यार ये दिल की बहुत बड़ी बहुत सुकून मिलता है. ये साउंड निकलता है जब आवाज़ आती है तहलका तहलका तहलका. इरफी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और अब हम जा रहे हैं डीबी कलर लगवाने. शायद यार डीबी कलर नहीं लगा रहा तो अपन एग्जॉस्ट चेंज कर देंगे आज. यहाँ पुलिस वगैरह चेकिंग वैकिंग नहीं चल रही हो? किधर किधर गाइस आ चुके हैं हम डीबी कलर बनवाने के लिए. श्री शंकर एग्रो लग रहा है भाई पकड़ेगी तो फिर भी वो. चलो सो गाइस यहाँ पे हमने डीवी कलर तो बनवाया था पर वो ज़्यादा आवाज़ नहीं रोक रहा था. अब सोच रहा हूँ कि ओरिजिनल वाला जो साउंड है वही लगवा लेते हैं, वो भी ठीक है कुछ टाइम के लिए बचेंगे तो एटलीस्ट पुलिस के चालान से. सो गाइस एक बार लास्ट बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ गाड़ी का, क्योंकि अब तो ये चेंज हो रहा है वैसे भी, तो अब गाड़ी का साउंड तो अपन नहीं सुन पाएंगे बाद में, तो अभी सुना देता हूँ लास्ट बार. पड़ेगा चेंज गाइस, नहीं तो चालान इतना भी नहीं होगा, कितने चालान लेता रहूँगा. गाइस फाइनली एग्जॉस्ट खुलना हो चुका है शुरू. ये तो निकलेगा अंदर से पूरा, इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो यहीं पर रखा है भाई के पास. और कैमरा थोड़ा हो रहा है ख़राब और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब. 2000 years later. हमारे महंगे मैकेनिक आ चुके हैं इरफान भाई, बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं. 6 बज रहे हैं और मैं 3 बजे का आया हूँ, 3 घंटे बाद भाई हमारा काम कर रहे हैं. भाई बहुत ज़्यादा सता नहीं रहे?
बहुत ज़्यादा भाई, समय कहाँ है। तो गाइस काम करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि और कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा ही बचा है बस, चेंज होना। A few minutes later. So hey guys, अभी टाइम हो रहा है रात का, अप्रॉक्स 9:15 बज रहे हैं और गाड़ी का काम हो चुका है पूरा ख़त्म। बहुत प्यारा साउंड लग रहा है, पर अभी बहुत शांत है और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम अभी हो रहा है 10:00 बज रहा है रात के, इसका पिकअप भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, देखो मस्त उठ रही गाड़ी, एक नंबर। बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही गाड़ी वैसे तो पहले से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले जो वाइब्रेशन हो रहा था ना गाड़ी के अंदर वाली दिक्कत अब नहीं हो रही बिल्कुल कुछ भी, अब इतनी स्मूथ जा रही ना गाड़ी, एक नंबर, इतना मस्त लग रहा है गाड़ी को चलाने पर। तो वाले एग्जॉस्ट पर यार साउंड बहुत प्यारा था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यार इसके चेंजेस वगैरह खुलते हैं ना पूरे, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसमें दिक्कत होती है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली लगता नहीं पूरी चीज़ें खुलेंगे, फिर वो उसका साउंड रहता है जो एग्जॉस्ट वो उठ के लगता है, फिर उसके बाद उसमें बहुत टाइम लगता है ऐसे तो खोलने वाले में, और फिर बहुत सारी गाड़ियाँ भी रहती हैं उनके पास, तो इसलिए और भी काम थे। अगर आज मेरे को अपने GoPro में रैपिंग भी करवानी थी, थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहिए इसलिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी गाड़ी में एक चीज़ और बहुत तगड़ी आने वाली है, वो थोड़ा समय लगेगा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, और उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें मंगवानी पड़ेगी, जो ये ब्रेक सिस्टम वगैरह हैं वो भी पूरे चेंज आएंगे, ये नॉर्मली नहीं चलेंगे, वो भी बैम्बो वगैरह के ही आएंगे। गाड़ी लीन लीन रहती है, क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग जो रहती है ना उसकी नॉर्मल गाड़ी के नहीं रहती, उसमें पावर ब्रेकिंग रहती है, पावर कंट्रोलिंग बहुत प्यारी रहती है उसकी, इसलिए। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग यहीं तक था, थोड़ा बहुत मज़ा आया तो भाई, तो कमेंट करके बताना है व्लॉग कैसा लगा, ये छोटा सा बस सिर्फ साउंड चेंज कराया और कुछ भी नहीं है इसमें। साउंड में आपको सुबह एक क्लिप ऐड कर दूंगा सुबह वाली, क्योंकि अभी रात को तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। साउंड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, जो भी पहले वाला था इसमें वो वाला, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ अच्छी है, नहीं तो यार लोग फालतू में साइड से निकलता हूँ तो गालियाँ देता हूँ मैं उनमें, पर मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरी लाइफ जीता हूँ भाई, मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो करूँगा। पर आने वाले टाइम में तो यार सुपर बाइक आएंगी, तो तब देखता हूँ मैं कौन क्या बोलता है, सबको खरीद लेंगे। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से मोनेटाइज करवा दो गाइस। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग, बाय बाय।